इस वीडियो के अंदर ही आपको बताने वाला हूँ कि Xiaomi U के लेटेस्ट बिल्ड और ROG का जो लेटेस्ट बिल्ड आया है ROG एडिशन का, और ये मिक्स का हो गया, मिक्स का भी ये जो है रिव्यू मैं कर रहा हूँ। तो इसके लेटेस्ट या फिर इन तीनों में ही लेटेस्ट में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहने वाला है उसके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालाँकि मिक्स के अंदर हमें जो है ग्लोबल जो है थीम स्टोर देखने को मिल जाता है और इसके अंदर अपडेटर भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपका ये जो है ओवरक्लॉक्ड है, बाकी वो दोनों आपका ROG एडिशन एंड Xiaomi U की बात करें तो दोनों ही नॉन OC के साथ आते हैं। तब देखते हैं इसके अंदर हमें पिछले अपडेट के मुकाबले क्या कुछ चेंजेस हुआ है, और वीडियो में आप बने रहें तो ये भी लास्ट में आपको बता दूंगा कि इन तीनों में से कौन सा बेटर अभी फ़िलहाल इस लेटेस्ट बिल्ड के अंदर में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं माई डिवाइस के अंदर में। तो यहाँ पे अब 12 का लोगो है जो कि पहले मिक्स का लोगो हुआ करता था, और मिक्स का जो वर्जन है 21.12.8 है जो कि मी नोट 10 से पोर्ट किया गया है। और इसके अंदर अब जो है यहाँ पे मी नोट 10 का ही स्पेक्स दिया गया है, जैसे कि पहले नहीं था ये चीज़, अब आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो ये ओवरक्लॉक्ड है पहले की तरह, एंड्रॉयड वर्जन 11 है, और सिक्योरिटी पैच नवंबर 2021 की ही मिलती है, और कर्नल भी पहले वाला ही SRK का वर्जन 19 कर्नल हमें मिलता है जो कि ओल्ड कैम है, पिछले में भी सेम कर्नल देखने को मिला था। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें अपडेटर की, तो अपडेटर के अंदर से आप जैसे कि अपडेट कर सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन को, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप अपडेट यहाँ पे कर सकते हो। एंड कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर जैसे कि कास्ट का बग पहले था उसी तरीके से अभी भी आपको देखने को मिलेगा, बाकी लाइन्स आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन की बात करें तो ऑलवेज ऑन हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती, और बिल्कुल ग्लोबल वाला है। इसके अंदर आप जो है स्टोर से डाउनलोड करके अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपको मिलता है बिल्कुल वर्किंग रहने वाला है। और यहाँ लॉक स्क्रीन के अंदर में बाकी के भी जितने आपको देखने को मिलते हो सभी भी सेम रहेगा, चार्जिंग एनिमेशन हो या टैप टू बैक सारी चीज़ें। एंड डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे रीडिंग मोड, कलर स्कीम काम कर रहे हैं, रिफ्रेश रेट हमारे काम का है नहीं, बाकी यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहेगा। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जैसे कि जाते हो तो यहाँ पे भी हालांकि आपका सब कुछ सेम ही रहेगा। MI साउंड एंड अगर आपको यूज़ करना तो डायरेक्ट साउंड जो है इनेबल करके रखना Xiaomi पार्ट से, उसके बाद आप इसका भी यूज़ कर पाओगे। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे स्टेटस बार सारी चीज़ें सेम देखने को मिल जाएगी आपको, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और अब चलते हैं होम स्क्रीन के अंदर में। तो होम स्क्रीन के अंदर भी हालांकि आपको ऐसा कोई चेंजेस नहीं मिलता है, सिस्टम नेविगेशन अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि जेस्चर आपका काम कर रहा है, और बटन की भी बात करें तो ये भी काम कर रहा है। हालांकि तीनों में ही जो है यहाँ पे मिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा है, स्मूथ ज़्यादा है इन तीनों के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो मिक्स का जो है थोड़ा सा बेटर एनिमेशन के साथ आपको मिल जाएगा, सर्च बार आप ऐड कर पाओगे, बाकी इसका अरेंज आइटम इन रिसेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि तीनों पर ही काम करता है अच्छे से, यहाँ पर भी काम कर रहा है। और फिर यहाँ पर आपका वॉल पेपर मिल जाएगा, थीम्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको ग्लोबल वाला मिलने वाला है, बाकियों में तो आपको चाइनीज़ ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लोबल मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग ग्लोबल मांगते हैं तो इसके अंदर आपको ग्लोबल आपको मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे इंपोर्ट तो नहीं कर पाओगे लेकिन थीम स्टोर के अंदर से डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे। और ये कुछ वॉल पेपर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, वॉल पेपर्स भी आपके पहले वाले रहेंगे, सुपर वॉल पेपर भी मिलते हैं, हालांकि सुपर वॉल पेपर का यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा। और अब हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं इसके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर में। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट मिल जाता है। वहीं बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर भी आपका लास्ट कुछ अपडेट में जैसा पहले था, तो यानी कि सेम बिल्कुल पिछले अपडेट वाली ही बैटरी बैकअप आपको मिलेगी, इसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं। हालांकि आपका Xiaomi U ROG का जो बैटरी बैकअप है इससे थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा उनके अंदर में, तो बैटरी के मामले में वो थोड़ा सा बेटर है। ऐप्स के अंदर में डुअल ऐप लॉक दोनों ही काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे जो लैंग्वेज हमें देखने को मिल जाती है, लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम रहेगी आपकी पहले वाली ही, इंडोनेशियन लैंग्वेज अवेलेबल है, और बाकी की भी सभी लैंग्वेज सेम ही रहेंगी पहले की तरह। और यहाँ पे भी बाहर में भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता, मेमोरी एक्सटेंशन भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे काम नहीं आने वाला है। और स्क्रीन टाइम मिल जाता है इसके अंदर, जैसे कि हमें फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी आपका पूरा सेम रहेगा। स्पेशल फीचर में जाओगे तो जैसे कि अभी लेटेस्ट में साइड बार हो चुका है, जो कि स्मार्ट टूल बॉक्स था उसका नेम जो है यहाँ पे चेंज करके साइड बार कर दिया गया, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर भी जैसे कि ये नेम चेंज है। और फ्लोटिंग विंडो सेकंड स्पेस ये सब आपको मिल जाता है। बाहर में MI अकाउंट है, और इस बार जैसे कि यूट्यूब वैन जो है इसके अंदर प्री इंस्टॉल ऐड किया गया, बस यहाँ पे आपको अपना ID जो है लॉगिन कर लेना इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पे ID लॉगिन नहीं रहता, इसके अंदर से ही ऐड करना पड़ेगा। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन भी एक जो है यहाँ पे शो करता रहता है स्टेटस बार के अंदर हमारी नोटिफिकेशन सेट में, अगर आप देखोगे यहाँ पे। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा,
और इसके बाद आप यहाँ पे जो है थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, और इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सो सिस्टम ऐप करना है और यहाँ पे सर्च करना है वेंस। तो वेंस जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वेंस माइक्रो जी जो है उस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्ट जो दिया गया बैकग्राउंड एक्टिविटी इसको सिंपली क्लिक कर देना और अपने डिवाइस को एक बार रिबूट कर देना है। रिबूट करते हुए नोटिफिकेशन आपका गायब हो जाएगा, बाकी यूट्यूब वेंस आप यहाँ पर यूज़ कर ही पाओगे, ये सारी चीज़ें काम कर, ये प्री इंस्टॉल आपको मिलती है इसके अंदर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ऐप बोल्ट के बारे में, तो ऐप बोल्ट अच्छे से काम करे यहाँ पे, हालांकि हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती है, लेकिन हाँ अभी सबके अंदर जैसे कि परमिशन जो है बिल्कुल आपको फुल स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है, परमिशन वाला जो पॉपअप आता है पूरा, तो आप देख सकते हो सभी का जो परमिशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि इस अपडेट से इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से काम करा, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे। और एडिट में चलते हैं तो यहाँ पे जैसे कि सोमी पार्ट्स मिल जाता है, FPS इन्फो मिल जाता है, सोमी पार्ट्स आपका बिल्कुल तीनों में ही सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे भी आपका जो है सेम है, MI साउंड सेंसर ये वाला जो है आपका काम करता है, और बाकी टच बूस्ट ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जाती है पहले की तरह, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलता। बाकी फिर वॉल्यूम पैनल आपका यहाँ पे सेम रहेगा, 4 पैनल के साथ है। पावर मेन्यू भी यहाँ पे लेटेस्ट ही देखने को हमें मिल जाती है इसके अंदर में, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। और ऐप ओपनिंग के मामले में भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे जो है मिक्स वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा स्मूथ आपको मिल जाता है यहाँ पे एनिमेशन के मामले में भी। तो यहाँ पे जो है हालांकि डिले के मामले में ज़्यादातर सिमिलर है तीनों का, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन स्मूथनेस के मामले में थोड़ा सा बेटर, यहाँ पे मिक्स ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। और रैम अगर आप देखोगे तो 4GB के अंदर जैसे कि 1.6 या फिर 1.7GB तक फ्री देखने को यहाँ पे रैम मिल जाएगा, जो कि सिमिलर ही है। वहीं कॉलिंग की बात करें तो वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बिल्कुल फिक्स है, और वाईफाई कॉलिंग तो फिलहाल काम नहीं करने वाला है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कैमरे की, तो कैमरे के अंदर आपका ब्राइटनेस हाई देखने को मिल जाता है, लेकिन कैमरे के अंदर आपका यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसे रहेगा। जी कैम आप यूज़ कर पाओगे, और इसके अंदर ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन मिलता है, तो सिंपली आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ओके गूगल की बात करें तो बिल्कुल वर्किंग रहने वाला इसके अंदर में, एप्लीकेशन भी ज़्यादातर आपके सभी अपडेटेड बिल्कुल मिलने वाले इसके अंदर में। वहीं अगर हम चलते हैं इसके जैसे कि सिक्योरिटी के अंदर में, तो यहाँ पे जो क्लीनर है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका आपको सिंपली APK इंस्टॉल कर देना तो ये काम करने लग जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे गेम टर्बो मिल जाता है, यहाँ से जो है आप अब ऐड कर पाओगे गेम को। और हमारा जो गैलरी है ये भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी अपडेटेड आपको मिल, यानी कि अपडेट किया गया गैलरी को भी इसके अंदर में। तो आपको यहाँ पे एक दिखा दो फिल्टर, जैसे कि दो फिल्टर इसके अंदर में, एक जो यहाँ पे चेंज हुआ है आपके फिल्टर के अंदर में, तो आपका यहाँ पे दो फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि रेडियंस यहाँ पे मिल जाएगा ब्लूज वाला, तो ये दो आपको यहाँ पे फिल्टर्स भी लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। स्काई हालांकि आपको मिलता ही मिलता है यहाँ पे, तो ये आपको चेंज मिलता है। वहीं अगर हम प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं, तो आपका सर्टिफाइड रहेगा पहले की तरह, यानी कि सेफ्टी नेट जो है हमें यहाँ पे पास मिल जाता है, तो आप आराम से विदाउट रूट भी बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। टूल्स के अंदर भी सब कुछ सेम रहेगा, आपका FM काम कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पूरी तरीके से सेम रहेगी, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी हो या फिर FPS हो, सब कुछ सेम है, जैसे कि 90 FPS तक मिल जाता है, तो ये सब कुछ सेम हमें यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इस बार आपको क्रोम प्री इंस्टॉल इसके अंदर नहीं मिलता, मैं खुद से इंस्टॉल किया हुई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें टूट स्कोर की, तो ये भी बिल्कुल सेम है, ओवरक्लॉक होने के बाद भी 142,000 ही मिल रहा है, जैसे कि कुछ अपडेट पहले सोमियो का भी यही हाल था, तो अभी इसके अंदर भी देखने को हमें मिल रहा है पिछले अपडेट से। और अगर हम यहाँ पे बात करें गेम टर्बो की, तो गेम टर्बो आप देख सकते हो तो बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा, वॉइस चेंजर काम करता है, जैसे कि मी नोट 10 सपोर्ट किया गया है, मी नोट 10 सपोर्ट वाले का ये वॉइस चेंजर काम करता है ईयरफोन के साथ भी। और ग्राफिक वही पहले की तरह, जैसे कि स्मूथ पे 90 FPS, बैलेंस पे हाई, RHD पे हाई मिलते, उसी तरीके से है, तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस के मामले में, तो परफॉर्मेंस जैसे कि ओवरक्लॉक्ड है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी उन दोनों से बेटर ही देखने को मिल जाता है। तो कुल टोटली अगर मैं बात करूँ एनिमेशन को लेकर के भी, तो फिलहाल मेरे को मिक्स जो है, मिक्स का ये लेटेस्ट बिल्ड थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगे उनके मुकाबले। और एक चीज़ और यहाँ पे, जो मिक्स के अंदर पहले की बिल्ड में प्रॉब्लम थी, वो अगर आपको याद होगा, पहले मैं आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि जैसे कि हम स्वाइप अप नीचे से करते हैं, जेस्चर के नीचे से स्वाइप अप करते हैं, जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर में गोले सा सर्कल के एरिया में अगर हम देखें, तो थोड़ा सा सर्कल में जो है टच काम नहीं करता था, ये एक प्रॉब्लम थी, जो कि बताया भी था मैं, तो अगर आप काफ़ी लोग देखे होंगे उस टाइम पे, देखे होंगे जो मैं बताया था, तो चीज़ आपको याद होगी, लेकिन जो नहीं देखे थे पिछली वीडियो में बता रखा, उससे पहले भी बता रखा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बीच में भी एक बार आई थी, तो इसके बारे में बताया था कि वो टच इशू हो रहा उस जगह पे, बिल्कुल सिर्फ एक ही जगह पे सेम उस जगह पे हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे फिक्स आपको मिल जाता है इसके अंदर में, जो कि पहले था ये चीज़, लेकिन इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया गया ये भी प्रॉब्लम। यानी कि अगर मैं टोटली अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे फिलहाल मुझे लेटेस्ट बिल्ड के अंदर में मिक्स का बिल्ड ज़्यादा बेटर लगा इस बार। तो यहाँ पे अगर इन तीनों की बात करें, तो मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा बेटर यहाँ पे मिक्स रहने वाला है इस बार।
तो यहाँ पे मिक्स जो है थोड़ा सा बाजी मार लेता है एनिमेशन के मामले में भी, क्योंकि सोमियो और आरओजी दोनों से ही थोड़ा सा एनिमेशन के मामले में ये बेटर है। परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी देखने को मिली जा रही है। एंटूटू स्कोर को फिलहाल आप इग्नोर ही करो इस बार, क्योंकि अभी कुछ अपडेट से आपको इसी तरीके से स्कोर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ज़रूर अच्छी देखने को मिल जाती है 1,60,000 वाली। जैसे कि 1,60,000 आपका स्कोर मिलता है, उस टाइप से आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे रोम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये अपडेट आपको काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट सभी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर भी। लेकिन इन तीनों में ही, जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि तीनों में ही मिक्स वाला जो बिल्ड है ज़्यादा बेटर रहने वाला है यहाँ पे टॉप पे। अगर हम बोले बेस्ट, तो अभी इस लेटेस्ट बिल्ड के अंदर बेस्ट अभी मिक्स रहने वाला। आगे के अपडेट्स में देखते हैं कौन सा बेटर होता है, लेकिन फिलहाल अभी के बिल्ड में यहाँ पे इन तीनों में मिक्स जो है बेटर रहने वाला। तो बस यही सारी चीज़ थी आज की इस वीडियो के अंदर में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।